दोस्तों, ये गाड़ी थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि इसका नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा। जैसा दिखता है गाड़ी वैसा ही इसका नाम, मतलब हट गया है थोड़ा सा। इसका इंटीरियर देखो, यहाँ पे एक अच्छी बात है, रेडियो शायद है, और ये रहा हमारा स्टीयरिंग व्हील। अब दोस्तों, हमने गाड़ी तो देख लिया, अब गाड़ी को जैसे करते हैं, पहले गाड़ी को साइड करते हैं, सामने लेके जाके गैरेज के सामने। तो पहले लो गियर में चलाता हूँ, उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे उसका आउट ट्रक कैसा होता है। ओके, लो गियर में वैसे ही उतना फोर्स नहीं डाल रहे, अभी लो प्लस में थोड़ा अच्छा है, लेकिन हाई में भी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज़्यादा दे दें तो सही होगा, मतलब थोड़ा ज़्यादा स्पीड चला तो सही। ओके, अभी काम की बात करते हैं। इस गाड़ी का नाम है यूनी मेओ, यस, और हमें इसी गाड़ी से एक दूसरे ट्रक को रेस्क्यू करना है जो कि ठीक गैरेज के पीछे बैक साइड में है। सो ज़्यादा दूर नहीं है, तो पहले वहाँ चलते हैं। यूनी मेओ नाम थोड़ा सा अटके है, अगर गाड़ी भी थोड़ा चलने में अच्छा हुआ तो शायद अच्छा लगेगा। अब तो हाई गियर में भी काम चल जाएगा, लेकिन इसका ड्यूरेबिलिटी कितना है ये तो बस आगे पता चलेगा। अभी तक तो सही है, और पिछली बार जैसे ऑटो रिक्शा आपने वीडियो में देखा होगा, ऑटो रिक्शा की वीडियो में किस तरह से छोटे छोटे व्हील की वजह से वो जाम हो जाते थे मड में, अब इसका वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये निकल रहा है। तो ड्यूरेबिलिटी के मामले में ऑटो रिक्शा से तो कहीं बेहतर है। ओके, मैं अभी लो प्लस में चलता हूँ, रुको रुको मैं लो में लेके चलता हूँ, थोड़ा स्लो मो में देखेंगे इसका जो व्हील है, जो टायर है वो कैसा काम कर रहा है। पीछे वाला थोड़ा ज़्यादा काम कर रहा है, आगे वाला उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन काम चला हुआ है। ओके, जितना जल्दी हो सके हम पहुँचते हैं, हमारे पास ही है, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे वरना पैसा भी हमें कम मिलेगा। सो अभी राइट साइड पे, अभी मैं पहले सॉरी मैं भूल गया था, वो एक्टिवेट नहीं किया था, अब एक्टिवेट हो चुका है। द बीस्ट राइजिंग अपर राइट करने में आपको दिखाई दे रहा होगा, अब K700 उसको लेके जाना है। इसके अंदर से तो निकल रहा है, आराम से निकल रहा है। तो देखते हैं, बिल्कुल जीप की तरह दिख रहा है, मिलिट्री ग्रेड, जो IP 68 70 जो भी लगा लो इसमें लग जाएगा। बट अभी तक पानी में अभी टेस्ट नहीं हुआ है, अभी पानी में टेस्ट हो जाएगा। वो पानी में ये आधा डूब चुका है, अरे इसकी ऐसे उम्मीद नहीं थी, मतलब मैं सोच रहा था बिल्कुल निकल जाएगा पानी से, अब इसने नाम खराब कर दिया अपना। अब देखो AWD लग सब कुछ यूज कर चुका हूँ मैं, बेकार में पानी में इसका ड्यूरेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, मैं बेकार में टेंशन ले रहा था, कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन हो गए थे इसमें। तो साइड से चलते हैं, साइड से हमें वो सामने एक तो दिखाई तो दे रहा है। ओके, अब रुको रुको, ये क्या, ये तो एक साइलेंसर है, ये हमारा इंजन, ये तो एक साइलेंसर है जो
जो बड़े बड़े ट्रक में लगे होते हैं। अच्छा, ये तो स्क्रैप यार्ड है, तो स्क्रैप यार्ड में तो ऐसे ही पार्ट्स मिलेंगे। अरे यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ना इधर ना उधर, कहीं पे विंच भी कनेक्शन का नहीं है। आज तो गया। कोशिश करते हैं फिर भी। अच्छा, थोड़ा थोड़ा जा रहा है, बैग जा रहा है। अगर निकल जाए तो सही बात है, नहीं तो फिर से एक प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी आगे पीछे ले रहा हूँ, कोई फायदा नहीं। डिफरेंस लॉक, AWD, सब कुछ ट्राई कर दिया, कोई कोई भी काम नहीं कर रहा है। छोड़ो, मुझे और नहीं लगता कि ये आगे बढ़ पाएगा, इससे हम मिशन कंप्लीट कर पाएंगे। कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो गए थे, तो इसे यहीं पे रखते हैं गाड़ी को, और दूसरा वाला एक तगड़ा गाड़ी लेके आते हैं। रुको, मैं पहले गैरेज में चलता हूँ। अच्छा, तो हम यहीं पे गड्ढे में हैं। अब हमारा कोई भी अगर ट्रक पार्क मतलब पास में होगा, नियर बाय होगा, तो उसे लाएंगे। ये वाला 4775 कान कमाच कमाच, और फिर टाटा फोर्स, और बाकी हार्वेस्टर कोई काम का नहीं है, सिर्फ हम ही हैं फंसे हुए और बाकी सब एंजॉय कर रहे हैं। कोशिश करता हूँ एक बार फिर से, लास्ट बट नॉट द लिस्ट। नहीं हो रहा है दोस्तों, और कोई इसकी कोई कीमत नहीं और कोई वैल्यू नहीं, वर्थलेस हो चुका है। तो पहले गैरेज में चलते हैं। अच्छा, तो गैरेज में ये हमारे पास कुछ स्काउट है, लेकिन स्काउट से कोई काम नहीं चलेगा। ये वाला ट्रक सही है, वी रोलेट 7544। इसका हर एक चीज़ अपग्रेड करते हैं, इसे एडवांस लेवल बनाने के बाद जाके लैंडिंग करेंगे तो सही फ्रूट्स मिलेंगे इसके। ओके, अब इसका टायर तो मैक्सिमम लॉक्ड है, अब कौन सा ऑफरोड के लिए एक्सीलेंट होगा वो देखते हैं। अच्छा, ये वाला नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको लेते हैं, और दूसरा ये चेन वाला अच्छा होता है, लेकिन इसका टायर नॉर्मल है, रहने दो। अब विंच तो थोड़ा पावरफुल लेते हैं, इसमें दो विंच है, एक 25 मीटर का पावरफुल और एक 40 मीटर का ऑफलाइन। मैं पसंद करूंगा थोड़ा दूर, जितना दूर हो सके, नहीं 25 वाला नहीं लेंगे, रहने दो, 40 मीटर का लेते हैं, सही होगा, क्योंकि हमारा जो मिलिट्री ट्रक था वो जहाँ कहीं भी देखो विंच इज नॉट अवेलेबल बोल रहा था, कम से कम यहाँ पे तो ना बोले। ये क्रेन सही होगा, हम एक क्रेन लेते हैं, और बाकी वैसा कुछ वो जो रेड कलर का क्रेन आता है वो इसमें नहीं है, कोई बात नहीं। ओके, थोड़ा सा फ्रंट बम्पर में ये वाला सेलेक्ट करता हूँ मैं, एग्जॉस्ट के लिए कोई भी लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्जॉस्ट नीचे होता तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता। और रिम की बात छोड़ो, कलर पे आते हैं, कलर में कोई भी ऐसा तो कलर दिख नहीं रहा जो पसंद आए, पर चलो रैंडम सा कोई भी एक चॉइस कर लेते हैं। ओके, देन लीविंग द गैरेज सीधे स्क्रैप यार्ड में चलेंगे।
हमें K700 तो मिल चुका है। अब अच्छी बात यह है कि इसका इंजन अभी भी चल रहा है, स्टॉल नहीं हुआ। इसमें एक नया वीडियो बनाएंगे, उसके लिए वेट फॉर दैट।